हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे शर्मा ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं पनीर की बहुत ही यूनिक वाली रेसिपी, जो शायद ही आपने इस तरह से बनाई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं और यहाँ पे दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। अब इनको हम काट लेते हैं। आप अगर वही पुराने तरीके से बोर हो गए हैं पनीर की सब्जी खा खा के, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने बारीक कर लिया, एकदम से बारीक नहीं करना है, इस तरह से बड़े बड़े साइज में काट लेना है प्याज को। और यहाँ पे हमने बड़े बड़े साइज में इसको काट लिया है टमाटर को भी। तो चलिए इसको हम पेस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्च ली है, चार हरी मिर्च ली है। यहाँ पे 5-6 से ज़्यादा ही लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो चलिए इनको अच्छे से हम मिक्सर में पीस लेते हैं। मिक्सर के बर्तन में अच्छे से इनका हम पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में बने रहें, ये बहुत ही यूनिक तरीका है। तो सबसे पहले हम प्याज को पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने प्याज को पीस लिया है, अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। अब चलिए उसी बर्तन में हम टमाटर को भी पीस लेते हैं। इसको भी अच्छे से हमें पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे साथ में ही हम हरी मिर्च और लहसुन को भी पीस लेंगे। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अब इसका भी हम अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका भी अच्छे से पेस्ट बना लिया है। दोनों पेस्ट को हमें मिलाना नहीं है, तो इस तरह से चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अब यहाँ एक पैन में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। 2 चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, 1 दालचीनी डाल देंगे। दालचीनी हमें ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा टुकड़ा ही डालना है। यहाँ पे 1 लाल मिर्च डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब डाल देंगे प्याज का जो पेस्ट है, वो डाल देंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चा टेस्ट ना निकल जाए। तो इसका थोड़ा पानी सूख गया है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इन्हें हम बढ़िया से चला लेंगे और इनका जो कच्चा है टेस्ट, उसको हम अच्छे से सुखा देंगे इसका पानी, ताकि इसमें कच्चा टेस्ट ना लगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। फिर इसको हम ढक के कुछ टाइम के लिए पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी है अच्छे से सूख जाए। इसको हम ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो थोड़ा पकने के बाद हम डाल देंगे ऊपर से 1 हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे हमने पहले ही हरी मिर्च डाली है, इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा ही लिया है। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डाल देते हैं कसूरी मेथी, है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब डाल देंगे एवरेस्ट किंग मसाला, यहाँ पे हम 3 चम्मच लगभग डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम थोड़े टाइम भून लेंगे अच्छे से मसालों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से हमारे तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से हमें मसाले तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आपने पनीर नहीं ट्राई किया है, तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। अब इन्हें हम थोड़े टाइम ढक के पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने घर पर ही बनाया था, तो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे शायद लगभग 400 ग्राम पनीर होगा। तो चलिए, जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं, इसको हम पीसेस में काट लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर मेहमान आए हैं और आपको पनीर बना के खिलाना है, लेकिन सोच रहे हैं कि उसमें टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से जरूर बनाइए। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम पनीर को भी काट लेंगे। यहाँ पे हमने मीडियम साइज में सभी को कट कर लिया है। देख सकते हैं कितने अच्छे से पनीर बन के हमारे तैयार हुए हैं, हमने इसे घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको अब हम, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मसालों में से पानी सूख गया है। तो इसी तरह हमें मसाले तैयार कर लेने हैं। अच्छे से पानी सूख गया है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो इन्हें अच्छे से हम चला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह आप ज़्यादा लोगों के लिए भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। आप अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और एक उबाल आएगा तभी हम इसमें पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे मसालों में अच्छे से उबाल आने लगी है, अब हम पनीर को डाल देंगे। पनीर को आराम से डालिए ताकि इसका छींटा आपके ऊपर ना उड़े। अब इन्हें हम बढ़िया से चला लेते हैं और इसे ढक के 20 मिनट तक हम पका लेंगे। तो चलिए अब इसे हाई फ्लेम पे हम ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है पनीर की। तो हमने गैस को भी बंद कर दिया है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पे और भी पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसे सूखा कर दिया है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी बनके यहाँ पे तैयार हुई है फ्रेंड्स। आप इस तरह से पनीर की सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आप वही पुराने तरीकों से बोर हो गए हैं तो इस नए तरीके से एक बार पनीर की ज़रूर ट्राई करिए। आप धनिया भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दिया है। ये इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। तो आपको ये आसान तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप चाहे इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ या पूड़ी के साथ। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।